हाय फ्रेंड्स, नमस्कार है दोस्तों आप सभी का। और आज हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस बीए सेमेस्टर 3 या 4, ठीक है, किसी में भी आ सकता है, क्योंकि टॉपिक का नाम है आपका इंडियन पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट। ठीक है, तो भारत सरकार और राजनीति का यह टॉपिक है जो कि बीए पॉलिटिकल साइंस सेकेंड सेमेस्टर में पूछा जाता है, किसी का सेमेस्टर 3 में तो किसी का सेमेस्टर 4 में। ठीक है, इंडियन पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट देखते हैं। इसमें हमारे जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उन सभी का हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, और वीडियो के एंड में इसका आपको मैं पीडीएफ भी दे दूंगा, टोटल जितना भी इम्पोर्टेंट है वो सारे के सारे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जानेंगे 1 मार्क्स वाले, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। यह हमारा पहला वीडियो रहेगा। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, कानूनों की व्याख्या करने वाला सरकार का अंग कौन सा है। ठीक है, तो सरकार के 3 अंग होते हैं, जितना भी हमारा सरकार है 3 अंगों में बटा हुआ है। एक कार्यपालिका, कार्यपालिका मतलब सरकारी नौकर, ठीक है, सरकारी नौकरी करने वाले। विधायिका यानी कि जितने भी नेता हैं वो सभी विधायिका में। और एक है न्यायपालिका, तो जितना कोर्ट वगैरह है, कोर्ट कचहरी, वो सभी न्यायपालिका। यही 3 अंग है सरकार के, इसके अलावा और कोई अंग नहीं है सरकार का। ठीक है, तो कानूनी को जितना भी कानून होता है कहाँ जाएगा, सब कोर्ट कचहरी। ठीक है, तो कहाँ है कोर्ट कचहरी वाला, न्यायपालिका, ये वाला न्याय करेगा। ठीक है, जज बनेगा वकील जज। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन डी। अगला है हमारा, न्यायपालिका का कार्य नहीं है, क्या काम नहीं है न्यायपालिका का। देखिए, कानूनों का क्रियान्वयन करना ये काम नहीं है, कानूनों को आदेश देता है। ठीक है, मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, संविधान की रक्षा करते हैं, न्यायिक पुनर्वलोकन करता है, कानूनों की क्रियान्वयन नहीं करता है। कानून को काम कौन करता है, तो काम करता है सरकारी कर्मचारी। ठीक है, काम कौन करवाता है, कानून बनाने का काम करता है विधायक लोग, ठीक है, और एमपी लोग। उसको रक्षा करने का काम करता है न्यायालय, और उसको जमीनी स्तर पे काम करवाने का काम करता है सरकारी कर्मचारी, जिसको हम लोग नौकरशाही बोलते हैं, ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कानूनों का क्रियान्वयन न्यायपालिका का काम नहीं है। ठीक है, यानी कि जज का काम नहीं है कि जमीनी स्तर पे काम हो रहा है या नहीं, वो देखेगा लेकिन काम नहीं करवाएगा। ठीक है, भारत का उच्चतम न्यायालय स्थित है। देखिए, भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, वो हमारा नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन सी। और प्रत्येक राज्य के राज्य में एक राजधानी में स्थित होती है, या फिर सबसे बड़े शहर में, राज्य का सबसे बड़ा शहर या उसके राजधानी में एक कोर्ट होता है, जिसको हम लोग हाईकोर्ट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, हाईकोर्ट। जैसे झारखंड का हाईकोर्ट है आपका रांची में, यूपी का इलाहाबाद में। ठीक है, जबकि यूपी का राजधानी है आपका कहाँ, लखनऊ, लेकिन वहां का होना चाहिए लखनऊ, लेकिन सबसे बड़ा शहर है यूपी का इलाहाबाद। ठीक है, तो इलाहाबाद में स्थित है। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट है आपका, अब नोएडा हो गया है हालांकि सबसे बड़ा शहर। निम्नांकित में से कौन सी शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है लेकिन उच्च न्यायालय को हासिल नहीं है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट दिल्ली को प्राप्त है लेकिन उच्च न्यायालय जो राज्य में स्थित होता है उसको प्राप्त नहीं है। कौन सा अधिकार, तो देखिए, राष्ट्रपति को कानूनी परामर्श देने का अधिकार। देखिए, अगर भारत के राष्ट्रपति जैसे अभी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है, उनको कोई कानून संबंधी सलाह चाहिए तो वो सुप्रीम कोर्ट से बोलेंगे। किसको, सुप्रीम कोर्ट से, नई दिल्ली वाला कोर्ट से, जो राज्य में कोर्ट होता है उसको नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो ये क्या पूछा गया है कि उच्च न्यायालय को हासिल नहीं है, तो राष्ट्रपति को कानून देने का जो सलाह है वह उच्च न्यायालय को नहीं है बल्कि सुप्रीम कोर्ट को हासिल है। अगला है हमारा, भारतीय संविधान निम्न में से कब निर्मित हुआ। तो देखिए, भारत का जो संविधान है ना, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में बनकर तैयार हो गया। कब, वो दिन था 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में बनकर तैयार हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बोलिए, 26 जनवरी जो हम लोग झंडा फहराते हैं वो क्या है, तो वो है गणतंत्र दिवस, यानी कि उस दिन, ये तो 26 नवंबर को बनकर तैयार हो गया, लेकिन नवंबर के बाद आता है दिसंबर और दिसंबर के बाद आता है जनवरी, यानी कि ठीक 2 महीना बाद। ठीक है, 1949 में बना, 1950 क्या हो गया, फटका फोड़ा ना, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ पूरे देश में, बन के रेडी हो गया 2 महीना पहले 26 नवंबर को, और बन के लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। ठीक है,
अगला है, भारत का संविधान निम्न में से कब लागू हुआ? तो कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। इसको हम लोग गणतंत्र दिवस बोलते हैं, रिपब्लिक डे। ठीक है, बचपन में जब हम थे रहते थे छोटा, तो इंग्लिश में भूल जाते थे कि किसको गणतंत्र दिवस बोलते हैं और किसको इंडिपेंडेंस डे बोलते हैं। हाँ, हिंदी में मालूम था स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस, लेकिन इंग्लिश वाले भूल जाते थे। चलिए, और हिंदी मीडियम वालों को वही प्रॉब्लम होता है और इंग्लिश मीडियम वालों को प्रॉब्लम होता है कि कौन सा गणतंत्र दिवस और कौन सा स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, बचपन में भूल जाता है। अगला हमारा, भारतीय संविधान की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? सबको जानते हैं किसके द्वारा, तो भारत के संसद द्वारा। इसको संविधान सभा बोला गया था। ठीक है, सॉरी, संसद नहीं होगा, संविधान सभा, संविधान सभा द्वारा। ठीक है, अभी जो संसद है पहले उसी का हम लोग संविधान सभा बोलते थे, तो संविधान सभा ही सबसे ज्यादा उचित है। इसमें 352 या कितने मेंबर थे उस टाइम पे, सभी को मिलके संविधान सभा के द्वारा बनाया गया था। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे एगो, और उस अध्यक्ष का नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कभी पूछ ले कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। ठीक है, अगला है, भारतीय संविधान का जनक या पिता किसे कहा जाता है, तो वो सबको जानता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और इन्हें हम लोग प्यार से बाबा साहब बोलते हैं। अगला है, संविधान की प्रारूप समिति के सभापति निम्न में से कौन थे? संविधान की जो प्रारूप समिति थी, ड्राफ्टिंग कमिटी, यानी कि संविधान को छापने का काम कौन कर रहे थे, तो भीमराव अम्बेडकर को ही यह योजना का काम सौंपा गया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को छापने का काम दिया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला हमारा, संविधान की प्रारूप समिति हो गया, भारतीय संविधान निम्न में से कैसा है? तो देखिए, कठोर भी है और लचीला भी है। हम लोग बोलते हैं ना कि बाप का जो जिम्मेदारी होगा, माँ बाप का, उसको टाइट भी रहना चाहिए, स्ट्रिक्ट भी, और फिर लचीला भी रहना चाहिए, यानी कि बच्चे को लाल बियार भी दो और जरूरत पड़े तो मारो भी। उसी तरह से संविधान हमारा बनाया गया है। ठीक है, यानी कि लचीला भी और कठोर भी। देखिए, हमारा जब संविधान बना तो उसमें 395 का अनुच्छेद था, आर्टिकल जिसको बोलते हैं। ठीक है, और इसमें 93 को संशोधन हुए हैं, हालांकि अभी 100 से पार संशोधन हो चुका है, तो उसको याद रखना है, इसको हटा दीजिए। ठीक है, भारत संविधान में अब तक कितने संशोधन हुए हैं, इसको हटा दीजिए, 103 संशोधन अभी तक हो चुके हैं, 102 या 3 है। ठीक है, तो 93 को काट दीजिएगा। भारत में वोट देने का मतदान निम्न में से कितनी निर्धारित की गई है, तो 21 वर्ष, पहले निर्धारित की गई थी 21 वर्ष, अभी कर दिया गया है 18 वर्ष। ठीक है, 1989 जब प्रधानमंत्री बने राजीव गांधी, उस समय 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, तो वर्तमान समय में 18 वर्ष है, पहले 21 वर्ष था। ठीक है, और किसने किया है, तो राजीव गांधी ने किया 18 वर्ष। अगला है, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, मैंने बताया अभी कि संविधान सभा जो बना था उसका अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को रखा गया था। ठीक है, देखिए, बाकी मैं पूरा का पूरा पीडीएफ दे दे रहा हूँ, आप लोग घर में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आप लोग पढ़े या ना पढ़े मुझे क्या, मैं तो बस आपको राय सलाह दे सकता हूँ, बर्बाद होना या आबाद होना वो आप पे डिपेंड करता है पूरी तरह से। ठीक है, मत पढ़िए, कोई जरूरी नहीं है, पढ़ने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, आपको अच्छा काम नहीं मिलेगा, नहीं पढ़िएगा, नॉलेज आपका नहीं बढ़ेगा, पढ़ेंगे आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपका फायदा होगा। ठीक है, तो मैं आपको जो है ना, आपके हिस्से की पढ़ाई आपको ही पढ़ने दूंगा, अपने से नहीं होगा यार। ठीक है, मतलब बोलते हैं ना कि सब कुछ तो यहाँ पे कोई मैथ वगैरह चीज है ही नहीं, तो फालतू में टाइम वेस्ट क्या करेंगे आपका। ठीक है, 2-4 मिनट का मैं आप लोग को वीडियो इसलिए दे दिया ताकि आप लोग का माहौल बन सके, बाकी यहाँ पे कोई मैथ वगैरह नहीं है। ठीक है, कि आपको बहुत टफ लगेगा, सब कुछ है, एक बार पढ़िए, सबसे पहले पूरा मैं तरीका बताता हूँ, सबसे पहले एक बार पढ़िए पूरा का पूरा जितना भी है। ठीक है, उसके बाद दोबारा क्या करना है, आपको लिखना है कॉपी में, क्या करना है, दोबारा कॉपी में लिखना है क्वेश्चन, आंसर आपको खुद से लिखना है जितना भी क्वेश्चन सकेगा, तीसरी बार खुद जब आप आंसर जितना सकेगा बना लीजिएगा, फिर आपको आंसर देख के बनाना है, और फिर एक बार सोने से पहले इसको रिवाइज कर लेना है, और फिर एक बार सो के उठिएगा उस टाइम पे रिवाइज कर लीजिएगा, इतना कर पाइएगा तो आपका याद होगा, नहीं तो नहीं होगा, झूठ कायल होनेंगे। ठीक है, क्योंकि आसान चीज नहीं है पढ़ाई, पढ़ाई एक तपस्या है भाई, और इसलिए मत पढ़ना कि मुझे नौकरी लग जाएगा, नहीं, नौकरी नहीं लगेगा, पढ़ाई करने से आपका दिमाग खुलेगा, आप अच्छे इंसान बनेंगे, नौकरी लगने की गारंटी कोई नहीं देगा आपको। ठीक है, रिटर्न में लिखवा लीजिए। चलिए,
काफी ज्यादा मैं देखिए रियलिटी बताता हूँ, झूठ मूठ का काहे लिखा दूंगा मैं, क्योंकि मैं खुद एक टॉपर हूँ और इवन कॉलेज टॉपर भी रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी रहा हूँ, ठीक है। तो आपको जो सच्चाई वही बताऊंगा, झूठ मूठ का मुझे कोई करोड़ों रुपया नहीं मिल जाएगा घूस के आप लोग को झूठ बता के थक लूंगा, ठीक है। पढ़िएगा, अपना होगा, आपका होगा लाइफ अच्छा, नौकरी लगे या ना लगे आप अच्छे इंसान बनिएगा, अपना लाइफ को अच्छे से हैंडल कर पाइएगा, नॉलेजफुल आदमी बनिएगा, ठीक है। तो जो भी आपको अभी काम मिला है ना पढ़ाई का, वो पढ़िए, पीडीएफ में वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी सबका जो धीरे धीरे सब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन, अदर जितने भी क्वेश्चन है मैं दे दूंगा। ओके बाय, गुड नाइट, टेक केयर, मुझे भी पढ़ना है, रखता हूँ।